वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूके के हेल्थ एंड केयर जो वर्कर वीज़ा है उस हवाले से कि कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या उसका टाइम फ्रेम है, क्या उसकी एप्लीकेशन फ़ी है, क्या उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी देर का ये वीज़ा लगता है और इसके साथ साथ आप वहाँ पर किन के साथ जा सकते हैं, फैमिली लेके जा सकते हैं या नहीं, क्या टाइम प्रोसेसिंग टाइम क्या है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वीज़ा है क्या। ये बेसिकली जो यूके की नेशनल जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके अंडर ये सारा जो वीज़ा प्रोसेस है या वीज़ा स्पॉन्सरशिप है उन्हीं से होनी है। यानी आपकी जो स्पॉन्सरशिप है या आपकी वहाँ से लेटर निकलता है वो NHS के जो थ्रू जो है वही आएगा, जो उसके रिकग्नाइज कंपनीज होंगी या उसके अंडर जो आएंगी उन्हीं से आपका ये वीज़ा निकलेगा। ये वीज़ा आप 3 साल से लेके 5 साल तक ले सकते हैं। आप 3 साल का भी ले सकते हैं, 5 साल का भी ले सकते हैं, उनकी फ़ीस वेरी करती है। इसके साथ साथ ये वीज़ा के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप डॉक्टर हों, नर्स हों, हेल्थ केयर वर्कर हों, इसके साथ साथ सोशल केयर जॉब हो, हेल्थ प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बेसिकली लेना है, जो मेन डॉक्यूमेंट है इसके लिए। इसके साथ साथ आपकी जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपके पास ये प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए इसकी, जिस भी प्रोफेशन में आप लोग जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने मिनिमम सैलरी जो पेड है वो प्रीवियस आपने लगानी होती है कि हमें ये बेसिक सैलरीज मिल रही थी या मिनिमम हमारे पास ये वेजेस हैं, वो आपके जो प्रोफेशन है, जो आपका ये प्रॉपर ऑक्यूपेशन कोड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसकी मिनिमम वेजेस, एनुअल वेजेस जो लिखी होती हैं और उसके हिसाब से गिविंग रेट्स होते हैं, आप उनको टैली करें। ये 25,000 जो पाउंड से लेके 35,000-36,000 जो है पाउंड तक एनुअल आपकी इनकम होनी चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ आपको इंग्लिश B1 चाहिए, रेलिवेंट जो इनके स्टैंडर्ड जो है, पियर्सन आपका चल जाएगा, आइल्स चल जाएगा, तो आप उनको मेंटेन करना है, वो आपके पास होने चाहिए। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये 247 जो अगर आप 3 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं पर पर्सन, आप 2 होंगे 3 होंगे तो आप उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 5 साल का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 479 पाउंड जो है ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी और आपकी एक्सटेंड होती जाएगी नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स के हिसाब से। बैंक स्टेटमेंट इसके लिए आपको जो है 1270 पाउंड की जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपने शो करवानी है फॉर 28 डेज, जो जनरल यूके का रूल है बैंक स्टेटमेंट का, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके साथ एक्सटेंड कर रहे हैं वाइफ है तो आपको 285 पाउंड और ऐड करने हैं, इसके साथ साथ चाइल्ड है तो 315 जो है आपने चाइल्ड का ऐड करना है, तो ये सारे मिला के आपने एक में रख सकते हैं जो आपकी नंबर ऑफ आपकी एप्लीकेशन होंगी। इसके साथ साथ जो है आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लेना होता है। दूसरा, आपने ये अपनी जो स्पॉन्सरशिप जॉब है, जो ऑफर आई है, आपने उसकी जॉब स्टार्ट से 3 महीने पहले ये अप्लाई करना है लाजमी वीज़ा, क्योंकि आपका प्रोसेसिंग टाइम भी होता है 4-5 वीक लग जाते हैं, तो ये आपने उस टाइम को, ड्यू टाइम को जहन में रखना है ताकि आपका जो है वो टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली वहां पे मूव कर सकें। ये जनरल इसकी बेसिक क्रैक्टरिस्टिक्स थी कि आप कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अगर आपके पास ये प्रॉपर चीज़ें पूरी हैं तो देन आप इस वीज़ा के लिए जा सकते हैं। ये बड़ा स्मूथ रूट है, आपको 5 ईयर्स का वीज़ा मिल रहा है और आप उस पर जाके डायरेक्ट काम कर सकते हैं, वहाँ पर फर्दर जॉब पर जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी उसी सेक्टर में रहेंगे हेल्थ एंड केयर के। वहाँ पर लोगों को केयर जॉब्स जो हैं, केयर टेकर जॉब्स चाहिए, वहाँ पर लोग बूढ़े हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों को सोशल और वेलफेयर केयर के लोग चाहिए, तो आप इसमें जो लोग इस हेल्थ सेक्टर से कुछ थोड़ा बहुत लिंक करते हैं, कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप फौरन आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और ये बड़ा स्मूथ और डायरेक्ट रूट है। और इसके लिए जो है आपने सिर्फ करना ये है कि जिस भी एम्प्लॉयर से आपने लेना है डाटा या स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, वो NHS से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये जहन में रखें ताकि आपके साथ को फ्रॉड ना हो, आपको बाद में जो है वो सुबकी ना उठानी पड़े और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज ना हो, तो ये जहन में रखें। बाकी सारी चीज़ें, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप इसकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा लगाएं तो हर चीज़ आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी UKVI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहां से भी आप इसको डबल चेक कर सकते हैं। कोई फर्दर चीज ऐड करनी हो, क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, तो वो आप उसके लिए भी जो है वो वहां पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।